अंकिता टिप्स एंड ट्रिक्स को और तो दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर और पनीर की रेसिपी। सबसे पहले मटर को छील के वॉश कर लीजिए, और मैंने वॉश कर लिया है। और उसके बाद में मैंने पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हल्दी और थोड़ा नमक मिक्स करके क्या है रखा है। उसके बाद में मैंने प्याज लहसुन अदरक काट के मैंने रेडी किया है। और मैंने 3 टोमेटो लिया है, 3 टोमेटो मैंने काट के रेडी किया है। और थोड़ा सा ये कोरिएंडर, आपको कोरिएंडर मीन्स आपको धनिया, धनिया मैंने रेडी करके रखा है। और मैं इन्हीं सब चीज़ों से मैं अभी मटर पनीर की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। कढ़ाई चढ़ा लिया है, अब इसको कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देते हैं। उसके बाद में तेल डालते हैं, सरसों ऑयल डालते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे सरसों ऑयल। को गर्म होने देते हैं, उसके बाद में एक एक करके पनीर फ्राई कर लेते हैं। मेरा तेल गर्म हो चुका है, पूरा धुआं उड़ रहा है, तेल गर्म हो चुका है। अब इसको गैस को थोड़ा मीडियम कर देता है। उसके बाद में अब एक दो करके पनीर डाल देते हैं, फ्राई कर लेते हैं। पनीर को हल्के हाथों से सिर्फ चलाना, क्योंकि हल्के हाथ से अगर नहीं चलाएंगे तो पूरा टूट सकता है, क्योंकि तेल में फ्राई होने के बाद में पनीर तो बहुत नरम हो जाता है। तो इसीलिए हल्के हाथों से चलाना चाहिए पनीर को। अब इसको थोड़ा सा गोल्डन होने देते हैं। गोल्डन हो चुका है, इसको ज़्यादा गोल्डन होने नहीं देना है, हल्का हल्का गोल्डन होने देना है सिर्फ। गोल्डन हो चुका है, अब इसको मैं निकाल रही हूँ बाटी में। मेरा पनीर फ्राई करके हो गया, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पासपूरन। उसके बाद पासपूरन को थोड़ा फ्राई होने देते हैं। फ्राई हो चुका थोड़ा सा, अब इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज और लहसुन और मिर्च। इसको फ्राई होने देते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। लहसुन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें डालेंगे कटा हुआ टोमेटो। उसके बाद में थोड़ा सा नमक, क्योंकि टोमेटो जल्दी गलता है नमक देने से। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी, अब इसको चलाएंगे, इसे करके मिक्स करेंगे। और इसके बाद इसको ढक देंगे, ढकने के बाद गल जाएगा। और गलने के बाद में आपको मिक्सर ग्राइंडर में आपको मिक्स करना है थोड़ा सा 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुका है, अभी इसको ढक्कन को खोल देते हैं। अब इसको देखिए, देखिए अच्छे से गल गया है। अब इसको निकाल के मिक्सर ग्राइंडर में डाल देना है। उसके बाद उसको मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स करके इसको फिर इसको पकाना है। देखिए मेरा गल चुका है, अब इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं।
अब थोड़ा सा गैस को अभी ऑफ कर देते हैं। अब इसको ठंडा होने देते हैं। जब ठंडा हो जाता है तब मिक्सर ग्राइंडर में डाल देती हूँ। थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये मेरा टोमेटो ठंडा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे, मिक्सर ग्राइंडर में डाल देते हैं। वाला कढ़ाई में अभी थोड़ा तेल डाल के गरम करूँगी। अब इसको थोड़ा गरम होने देते हैं। अच्छे से हो चुका है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पाँचफोरन। उसके बाद में जो टोमेटो मिक्सर ग्राइंडर में जो मिक्स किया वाला को डाल देंगे। अब इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। और थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि मैंने आगे ही टोमेटो में नमक डाला है और पनीर में भी थोड़ा सा नमक डाल के फ्राई किया है। बस थोड़ा सा ही डालूंगी मैं नमक। अब इसको चलाएंगे, मिक्स कीजिए। अब ये जब तक ये अच्छे से पक ना जाए तब तक इसको पकाते रहेंगे। जब तक इसको ऊपर में तेल छूट ना जाए तब तक इसको पकाते रहेंगे। टोमेटो थोड़ा सा ऊपर तेल उठने लगा है। अब ये पक गया है। अब इसमें डालेंगे मटर। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ढक के पकाएंगे। हो चुका है। अब इसको खोलेंगे। बस चलाएंगे थोड़ा। और थोड़ा पकने देते हैं। 5 मिनट हो गया गए पक के। उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद में थोड़ा सा ये पनीर को डाल देते हैं ऊपर से। मैगी मसाला डाल देते हैं थोड़ा। मटर को ढक देते हैं। क्या है, अब देखते हैं कैसा हो गया। ये देखिए मेरा मटर पनीर बॉईल हो रहा है। देखिए उबल रहा है। देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है और खाने में भी बहुत मज़ा लगेगा। सबसे स्पेशली खाने में तो आपका रोटी में लगेगा। ये देखिए अब इसको थोड़ा सा पानी सुखा लेते हैं। सुखा के थोड़ा सा ग्रेवी टाइप बना लेते हैं। ढक देंगे 5-10 मिनट के लिए। पानी सूखने देते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। सब्जी का 5-10 मिनट हो गया। अब मैं इसको निकालती हूँ ढक्कन को। अब मैं चेक कर लेती हूँ कैसा हो गया। वाह, काफ़ी बहुत बढ़िया हो गया। पानी सूख गया, ग्रेवी टाइप हो गया। बहुत ही मज़ा हो गया। अब इसमें मैं डालूँगी धनिया, काटा हुआ धनिया।
उसके बाद इसको फिर से मिक्स कर दूंगी धनिया से। बस कितना अच्छा हो गया। अब मैं इसको निकाल लूँगी बाटी पर। बाटी में निकाल रही हूँ, गर्मा गर्म बाटी में डालते हैं। सब्जी पक के रेडी हो गया, बाटी में डाल दिया। देखिए कितना अच्छे से हुआ है। बस इसको रोटी का साथ खाना है, क्या अच्छा लगेगा खाने के लिए, बहुत टेस्टी लगेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और लाल घंटी को भी दबा दीजिएगा। इसी तरह से मैं वीडियो लेकर आऊँगी, अच्छे से नया नया रेसिपी लेके आऊँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन और लाल घंटी दबा देना।